हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज जो है हम पकाएंगे कंडोले, इसको हम कहते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, कंडोले आप को मैंने एक पहले भी वीडियो कंडोलों पे जो है वो शेयर की है अपने यूट्यूब चैनल AB12 पे। तो ये देखें फ्रेंड्स, वो जो थे उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भेज दूंगा, आप वो भी दोबारा देख सकते हैं। तो जो वो थे वो मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ से निकाले हैं मैंने, उसमें आप उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो जो है वो कंडोले वो कहाँ से लाए थे मैंने, कैसे लाए थे। तो ये देखें आज ये कैसे हैं, इनकी शक्ल कैसी है ये। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपको एक बात याद दिलवा दूं कि फ्रेंड्स, जो मेरा यूट्यूब चैनल है AB12, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये देखें मैंने तेल रखा हुआ है, तो कढ़ाई में तेल रखा हुआ है। तो जब तक ये गर्म हो जाएगा तब तक, तो फ्रेंड्स ये देखें हम ये टमाटर कटे हुए हैं, क्रश भी करते हैं कुछ लोग इसे, तो कुछ लोग काट चाकू के साथ काट के, मैं प्रेफर करता हूँ चाकू के साथ काट के खाना, इसलिए मैंने ये देखें आप फ्रेंड्स ये। तो कुछ लोग जो है ये कंडोले जो हैं वो दूध में पकाते हैं, कुछ लोग मतलब लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं उनमें पकाते हैं। तो फ्रेंड्स जो है मैं जो है वो प्रेफर करता हूँ जो है जो टमाटर होते हैं उसमें खाना, और टमाटर में भी जो है वो क्रश टमाटर नहीं होने चाहिए, अगर बेटर है मेरे लिए अगर चाकू के साथ कटे हुए हों। तो ये देखें ये टमाटर हैं फ्रेंड्स ये, हाँ। तो उसके बाद ये देखें फ्रेंड्स ये देखें ये कंडोले हैं, इसको कश्मीरी में मुझे पूरा पता नहीं है, शायद इसको कश्मीरी में शीशकन कहते हैं आई गेस, मुझे पूरा नहीं पता है। तो हम अपनी इसको पहाड़ी जबान में जो है वो कंडोले ही कहते हैं, और कुछ लोग इसे डोले भी कहते हैं। तो ये प्याज भी रखा हुआ है, कटा हुआ प्याज, इसको डालेंगे हम। तो फ्रेंड्स हम इसको अब पकाएंगे कंडोलों को। ये देखें फ्रेंड्स, प्याज जो है तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसको जो है प्याज डाला इसमें, तो अब हम इसको तब तक गर्म होने देंगे, तब तक इसको हम जो है मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है मैंने, इसको मीडियम फ्लेम पे हम रखेंगे तब तक जब तक इसका जो कलर है वो थोड़ा ब्राउनिश नहीं हो जाता। तो तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखें आप फ्रेंड्स, दोस्तों ये जो है ब्राउनिश कलर हो चुका है इसका अब, तो हम इसे सिम कर देंगे थोड़ा सा और। तो ये कर दिया हमने इसे सिम दोस्तों, अब हम इसमें जो है वो टमाटर जो है वो डालेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स ये देखें हमने इसमें टमाटर जो है वो डाल दिए हैं, अब हम प्याज और टमाटर को मिक्स करते हैं अच्छे से, और इसका फ्लेम जो है वापस जो है वो हाई पे कर देंगे हम इसका फ्लेम। तो दोस्तों ये देखो फ्लेम जो है इसका मैंने हाई पे कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको थोड़ा अच्छे से टमाटर जो है उसको पकने देंगे, और इसमें रेड चिली पाउडर इसमें डालेंगे, और टर्मरिक पाउडर और नमक, ये तीन चीज़ें हम इसमें डालेंगे। अब अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें नमक भी और रेड चिली पाउडर भी, और जो है टर्मरिक पाउडर जो है वो हल्का सा डाल दें इसमें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें मैंने हल्दी और मिर्च और जो है नमक वो मिक्स कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरी वीडियो है वो अच्छी लग रही होगी। तो हम इसको अच्छे से जो है अभी जो है टमाटर जो इसमें डाले हुए हैं उसको हम अच्छे से पकने देंगे, और हल्दी और मिर्च और नमक जो डाला है वो भी अच्छे से जो है तो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अच्छे से इसमें जो रेड चिली पाउडर है वो अच्छे से पक जाएगा, उसका पकना भी बहुत ज़रूरी है। तो तब तक हम इसमें जो है वो कंडोले नहीं डालेंगे, या आप उसे
शीशकन भी कह सकते हो, कश्मीरी में उसको शीशकन ही कहते हैं। तो दोस्तों तो ये देखें दोस्तों, ये जो है अच्छे से अब इसको जो है टमाटर जो है उसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है टमाटरों ने, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पक रहे हैं टमाटर, और अब उनका टेस्ट जो है वो प्याज में भी जाएगा अच्छे से। दोस्तों ये जो है अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये सब अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, मिक्स हो चुका है इसमें मैं, तो अच्छे से टमाटर भी जो है वो पक चुके हैं अच्छे से, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे कंडोले फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें कंडोले डालेंगे, इसमें कंडोले इसमें डाल दिए हैं। तो अब ये देखें, ये देखें टमाटर भी इसमें आ गए हैं ऊपर ऊपर कंडोले, तो इसमें हमने मिक्स करने लगा हूँ मैं अब इन कंडोलों को और टमाटरों को दोस्तों। दोस्तों मैंने इसको मिक्स कर दिया है, ये देखें दोस्तों आप टमाटर और कंडोले जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ मैंने और देखी है जो मुझे जंगल में मिली थी, तो मशरूम दोस्तों, मशरूम मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक आध पीस मशरूम की निकाल के या दो पीसें, ये देखें दोस्तों ये देखें मशरूम दोस्तों, ये देखें ये मशरूम की पीस है ये देखें ये बिल्कुल अलग है इसका, आप देख सकते हैं ये अलग है, ये देखो कंडोले की पीस जो है वो अलग होती है, ये देखें ये कंडोला है, ये देखें ये कंडोले की पीस है ये और ये जो है ये मशरूम की पीस है, तो ये अलग है, ये देखें इसको हम पहाड़ अपनी ज़बान जो है हमारी लोकल लैंग्वेज जो है यहाँ पे जो हम खुद में जो मेरी मदर टंग है उसमें हम इसको कहते हैं हिंडे कहते हैं, तो लेकिन ये जो है वो भी इसी में वो दो चार थे मुझे मिले थे तो वो भी मुझे मिल गए, तो वो मैंने जो है वो निकाले वहाँ से। तो दोस्तों अब हम इसको फुल फ्लेम जो है इसका फुल रख देंगे और जो है इसको ऊपर से ढक्कन रख देंगे ताकि ये अच्छे से जो है वो पक जाए। तो ये देखें दोस्तों इसको मैंने ढक्कन रख दिया है ऊपर, तो अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट के आसपास हम इसको जो है वो रख देंगे ऐसे ही फुल फ्लेम पे ताकि ये पूरा तैयार हो जाए। दोस्तों जो है मेरी जो है ये कंडोले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, ये देखें दोस्तों ये बिल्कुल ये तैयार हो चुके हैं, अब खाने के काबिल हैं, बिल्कुल तैयार हैं अब ये, और इनका जो मैंने टेस्ट किया है इनका नमक वगैरह सब जो है वो सब बढ़िया है, बिल्कुल ये हैं अब सर्व कर सकते हैं इसको बगैर किसी परेशानी के, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स जो इसकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है वो वीडियो भी आप देख लेना, वो भी इसी कंडोलों के बारे में है कि मैंने ये कहाँ से लाए क्या किया, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो आप वहाँ से देख लेना। और फ्रेंड्स आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको जो नई वीडियो मेरी हो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो भी एक अच्छे से देख पाए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।